रोती है अब रातें, मन की बातों से अच्छी थी मनमोहन की बातें। कहाँ डंका, भारत का डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। हाँ, हमने एक बार देखा था कैसे ले जाकर के मोदी जी ढम 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 लग करके बजा रहे थे डंका, उसी को कहते हैं। जापान में जाकर कैसे बजा रहे थे उसको डंका कहते हैं। हमें ये वाले अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस वाला ही अच्छे दिन दे दें। ये सरकार जब से बनी है अमीरों की अमीरी बढ़ रही, गरीबों की गरीबी बढ़ रही है। जब से भाजपा सरकार बनी है तानाशाही का आलम यह चलता रहा, राज हमको कमल का ये चलता रहा, उन्नति की हमको ये देते रहे दुहाई, देश नफरत के शोले में जलता रहा। मोदी से अच्छा कोई आदमी दुनिया में घूम नहीं सकता है। इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। अब तक लोग सरकार से परेशान हैं। लोक हित में उठी बाणी सदा अपनाई जाएगी, मनुष्यता है मजहब ये बात बतलाई जाएगी। समय की रेत पर खींची लकीरें मिट जाए भले, लेकिन हर युग में मोदी की महंगाई बेरोजगारी ये गाई जाएगी। 2024 में अब कमल नहीं खिलेगा, 2024 में राहुल को बहुमत दोनों मिलेगा। जहां वीरता पूजित होगी कायर का गुणगान होगा। अब राहुल जी गरजेंगे, अपना देश मुल्क मसान नहीं होगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित। आवाज अभी हमारे साथ मौजूद है फूलचंद यादव जी। तो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है क्योंकि सरकार के खिलाफ जो है तमाम जो कुरीतियां हैं उनको लेकर ये बुखर होकर बोलते हैं। महंगाई जो है फिर से बढ़ने लग गई है, टमाटर और महंगा होता जा रहा है, क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ रही है, इसके कई कारण हैं। महंगाई जब बढ़ती है उत्पादन में कमी होना या देश की जनसंख्या ज़्यादा होना। हाँ। तो मैं सरकार से कहूँगा कि इसको किसी तरह से महंगाई जो है कंट्रोल किया जाए। हाँ। किसान महंगा अमीर हो रहे हैं महंगाई के कारण। ये सरकार जब से बनी है अमीरों की अमीरी बढ़ रही, गरीबों की गरीबी बढ़ रही है। 1200 का हुआ सिलेंडर, रोती है अब रातें, मन की बातों से अच्छी थी मनमोहन की बातें। वाह, शायरी भी कमाल की करते हैं। शायरी की बात नहीं है, तानाशाही का आलम यह चलता रहा। जब से भाजपा सरकार बनी है तानाशाही का आलम यह चलता रहा, राज हमको कमल का ये चलता रहा, उन्नति की हमको ये देते रहे दुहाई, देश नफरत के शोले में जलता रहा। हाँ, वो तो प्रेम फैला रहे हैं, आप कह रहे हैं नफरत के कोने में। मैडम जी क्या कह रहे हैं, देश की अगर ऐसी महंगाई बढ़ती रही, मंडियों की मंदियां अगर ऐसी बढ़ती रही तो व्यापारियों के लिए बर्बादी बन जाएगी। देश की आबादी अगर ऐसी बढ़ती रही तो एक दिन ये नासूर होकर के बर्बादी बन जाएगी। मैं चाहूँगा सरकार जागे, महंगाई को भी कंट्रोल करे, देश की बढ़ती हुई आबादी को भी कंट्रोल करे। ये मैं पहला आदमी भारत का हूँ जो आवाज़ उठाता हूँ कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए। प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करते हो कि और कितना जगाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करते हैं तो मैं ये चाहूँगा जो आदमी 24 घंटा काम करता है उसका LFT टेस्ट होना चाहिए, KFT टेस्ट होना चाहिए, CBC टेस्ट होना चाहिए, ब्लड के मेटाबॉलिज्म टेस्ट होना चाहिए, सारे इन्फेक्शन टेस्ट होना चाहिए। 24 घंटा काम करने की एक्टिविटी नहीं है, केवल अफवाह है। आदमी 24 घंटा काम करेगा वो मानव होगा कि दानव है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतना काम करे, देश में बहुत सारे युवा लोग हैं उनको काम दे दिया जाए। 140 करोड़ लोग हैं, क्यों 24 घंटा काम करते हैं? उनसे अच्छा सरकार कोई चला नहीं सकता, उनसे अच्छा कोई सरकार चला नहीं सकता। अगर सरकार मोदी से अच्छा कोई आदमी दुनिया में घूम नहीं सकता है। इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, अब तक 92 देशों की यात्रा कर डाली, 6 महाद्वीपों की यात्रा कर डाली, भारत में कम विदेशों में ज़्यादा रहे। मोदी जी को विशेष योग्यता है, विशेष योग्यता है चुनाव प्रचार भ्रमण करने के। 24 घंटा तो भारत में रहते नहीं, तो काम कहाँ करते हैं, विदेश में करने काम जाते हैं। तो क्या दिक्कत है विदेश घूमने से? अच्छी बात है ना, विदेशों से रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। घूमने से रिश्ते अच्छे होते हैं लेकिन विदेशों से क्या मिला पता है? 2000 करोड़ से ज़्यादा मोदी जी के ऊपर भ्रमण पर ही खर्च हो जाता है। विदेशी कंपनियां जो है वो भारत आ रही हैं, भारत में अपना उद्योग शुरू कर रही हैं। तो ये सरकार को बताना चाहिए कौन सी विदेशी कंपनी आ गई। राफेल जो है फ्रांस से खरीदा जाता है महंगे रेट पर, अगर अपने देश को
आत्मनिर्भर बना लिया जाता तो पशुपालन सारी चीज़ों का ही होता। देश की जो सारी चीज़ें हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती रही है, महंगाई, महिलाओं के आए दिन उत्पीड़न और परेशान की घटनाएं घट रही है, किसान जवान सड़क पर धरने पर हैं, मणिपुर का मामला देख लीजिए, तमाम लोग सरकार से परेशान हैं। सरकार को कम से कम किसी मुद्दे बोलना चाहिए। देश विकास कर रहा है, आप लोग मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास का कोई उदाहरण नहीं मिल रहा, विकास कर रहे हैं। पहले जो है टमाटर के रेट क्या थे, सब्जियों के रेट क्या थे, स्कूल की फीस क्या थी, पढ़ाई और दवाई का रेट क्या था, आज आसमान छू रहा है, देश विकास कर रहा है। कितनी सारी योजनाएं दे दी आप टमाटर में उजले हुए। मैडम जी, लोक हित में उठी बाड़ी सदा अपनाई जाएगी, मनुष्यता है मजहब, ये बात बतलाई जाएगी। समय की रेत पर खींची लकीरें मिट जाए भले, लेकिन हर युग में मोदी की महंगाई बेरोजगारी ये गाई जाएगी। मोदी जो है अच्छे दिन के तमाम सबूत गिना रहे हैं, देखा आपने क्या अच्छे दिन के? हमें ये वाले अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस वाला ही अच्छे दिन दे दें। जो 410 में सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपए हो गया। खाने पीने वाले सब्जियां महंगी हो गई, पेट्रोलियम पदार्थ महंगा हो गया। यही लोग तो बोले थे 30-40 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, आज क्यों नहीं दे रहे हैं? यही बहुत हुई महंगाई की मार। अब की भाजपा सरकार, अब जात धर्म, संतान कब्रिस्तान, हिंदू मुस्लिम, किसके आधार पे वोट? महंगाई बेरोजगारी या राष्ट्रवाद, किसके आधार पे वोट मांगेंगे? कहाँ पर सफल है बताइए। आप कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मोदी का विरोध कर रहे हैं। मैडम जी, मैं किसी पार्टी के दुशाला ओढ़ करके बात नहीं करता हूँ, ना चरण चुंबन की भाषा मुझे आती है। भारत वर्ष का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता हूँ। मुझको मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकता हूँ। मुझको मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकता हूँ। जो कायर होकर दुश्मनों के आगे सर झुकाता है, मर जाऊंगा लेकिन उनको नमन कर नहीं सकता। अमित शाह ने संसद में ऐलान कर दिया है कि आएगा तो मोदी ही। देखो, ऐसा भी तो हो सकता, विपक्ष वाले भी कह सकते हैं जाएगा मोदी 2024 में। अब कमल नहीं खिलेगा, 2024 में राहुल को बहुमत दोनों मिलेगा। राहुल गांधी पप्पू है, उनको कुछ समझ आता नहीं है। कैसे पप्पू है? ऑक्सफोर्ड पढ़े लिखे जो है, ऑक्सफोर्ड का पढ़े लिखे राहुल जी, आज राजनीति नहीं समझ आती ना उनको, देश चलाना नहीं आता। जब मौका मिले तो देश चलाना नहीं आता, वो समय चला गया। आदमी के कभी कभार उसके सर पे शनिचर सवार होता है तो भ्रमित रहता है, परेशान होता है। अब राहुल के बुरे दिन चले गए, कैसे चालबाजी से उनकी जो है सदस्यता रद्द की गई, और लोगों की, सांसदों की सदस्यता रद्द की जा सकती है जैसे जैसे अभद्र टिप्पणी किए। तो मतलब कि मोदी के अच्छे दिन में राहुल के अच्छे दिन आ गए। बिल्कुल संकेत हो रहे हैं, महंगाई राहुल के लिए फायदेमंद है, बेरोजगारी राहुल के लिए फायदेमंद है, सदस्यता बहाल होना राहुल के लिए फायदेमंद है, सदस्यता बहाल होने से इंडिया में मजबूती मिलती है राहुल के लिए फायदेमंद है। ये शुभ संकेत हो रहा है कि राहुल जो है 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष के गठबंधन में जो है कई सारे लोग जो हैं वो दावेदार है प्रधानमंत्री के, आप राहुल को कैसे बोल रहे हैं? दावेदार है ठीक है, जिस तरह से मोदी जी मुख्यमंत्री होकर के प्रधानमंत्री बने हैं, उसी तरह से जो विपक्ष के गठबंधन में कई बार लोग इसमें मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। आप ममता जी को ले लीजिए, नीतीश जी को आप ले लीजिए, अखिलेश को ले लीजिए, केजरीवाल को ले लीजिए, ये लोग जो है मजबूत हो करके आज प्रधानमंत्री के इनके ख्वाब सपने हैं, चलो संगठन बना करके ही जीत लें। अब लड़ाई राहुल और मोदी की नहीं रह गए, अब लड़ाई इंडिया और एनडीए की है। यहाँ पर जो है तमाम लोग जो कह रहे हैं कि मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, मोदी जैसा कोई काम नहीं कर सकता, मोदी ही आना चाहिए। ये कोई काम बताइए, जहाँ वीरता पूजित होगी कायर का गुणगान होगा। अब राहुल जी गरजेंगे, अपना देश मुल्क मसान नहीं होगा। तो अब जो है ऐसी कुछ नहीं है, अगर कोई वीर है
आज हमारे सैनिक जो है जितने सीमा पे शहीद हो गए, किसान हमारे शहीद हो गए, छोटी सुमांग के लेकर के नारियों का उत्पीड़न हुआ, मयूरीपुर हरियाणा दो दो करके जल गया, अपनी वीरता का और अपनी बहादुरी को एक परिचय तो दिए होते कि हाँ मोदी जी हम क्यों हैं, त्वरित एक्शन करके ईडी सीबीआई जो बोलता है करता है, ईडी सीबीआई लगा के उन्हें उठा लिया जाता है। लेकिन जो ज्वलंत उदाहरण है, ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर कौन बोलेगा, उस पर एक्शन कौन लेगा, बताइए आप। पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया ना, कोई युद्ध हुआ क्या, लोग भूल गए, आप एयर स्ट्राइक भूल गए और सर्जिकल स्ट्राइक। भाजपा वालों को याद होना चाहिए 1947 में देश आजाद हुआ तो 1948 में ये युद्ध, उसके 1,00,000 सैनिक पाकिस्तान के जनरल करियप्पा के जो चरणों में आयुध डाल दिए थे, हथियार डाल दिए थे, 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, कारगिल के सीना ठोक करके कांग्रेस लड़ी है। राहुल गांधी थोड़े न लड़े थे उस टाइम, तो लड़ा कौन, हमारे देश के लोगों ने लड़ा था ना, देश के लोगों ने लड़ा था। तो मोदी ने पाकिस्तान को क्या दिया, एक स्ट्राइक का इतना हल्ला मार रहा है, भीख मांग रहा है पाकिस्तान की, आपने हमने तो भीख दिया नहीं, पाकिस्तान भीख मांग रहा है और भीख मांगी, हमारे दुश्मन देश है, हमें सशक्त होना है, मजबूत होना है, जब हमारी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सब बढ़िया होगी तब हम जा कर के समृद्धि होगी, देश मजबूत होगा। आज हमारी GDP कहाँ जा रहा है, बहन बेटियों की सुरक्षा कहाँ जा रही है, महंगाई कहाँ जा रही है, सड़कों पे लोग आए दिन हर क्षेत्र के, हर वर्ग के, हर समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। भारत जो है विश्व गुरु बन गया है। अरे हमने कौन से आदमी, हमने कौन से जो है अब सीमाएं बढ़ा नहीं करती है, कागज पे खींची लकीरों से सीमाएं बढ़ जाती हैं ताकत और शमशीर से, हमने कौन सा अपना क्षेत्र बढ़ा लिया, औद्योगिक जो है संस्थान बढ़ा लिया, और विमान उद्योग के मामले में कितना आगे बढ़ा लिया, सामरिक शक्ति हमारी कितनी बढ़ गई कि हमारे पास इतनी सेना में हथियार आ गए और ये सारी टेक्नोलॉजी, विश्व गुरु किस आधार पे, एजुकेशन हमारा जो है टूट के कमजोर हो रहा है, आज एक डिग्री डिप्लोमा कोर्स करने में कितने पैसे लग रहे हैं, विश्व गुरु हुआ तो किस क्षेत्र में हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ तो उदाहरण मिलेगा, किसी देश हमने युद्ध जीता है, आज तो भारत की स्थिति जो है ना गृह युद्ध की तरफ जा रही, हिंदू हिंदू मुसलमान लड़ रहा है, सिख ईसाई लड़ रहा है, आपस में भाईचारा खत्म होगा तो विश्व गुरु बनेगा ये देश। विदेशों में डंका बज रहा है ना, विदेशों में किस बात का डंका बजेगा, कहाँ डंका, भारत का डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। हाँ हमने एक बार देखा था कैसे ले जा करके मोदी जी ढम 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 लग करके बजा रहे थे डंका, उसी को कहते हैं, जापान में जाकर कैसे बजा रहे थे उसको डंका कहते हैं। कितने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, कल्चर में पार्टिसिपेट करते हैं, आम जनता से मिलते हैं, मैं तो हाथ जोड़ उनके साथ डम 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 बजाते हैं। मैं तो मोदी जी से प्रार्थना करूंगा आप जो करते हो करते रहा करो, कभी बहन बेटियों को पीड़ा समझ लो, किसानों को पीड़ा समझ लो, दीन दुखी दलित गरीब मजदूर परेशान का भी पीड़ा समझ लो, लोग आवाज उठा रहे हैं कई जगह, मणिपुर का मामला हो चाहे हरियाणा का मामला हो या जो बहुत सारे मामले हैं जो सबको मालूम है। अब तो मोदी जी जब बोले थे भाइयों और बहनों ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा, मोदी जी कहते हैं ना बोलूंगा, देश जल रहा है जलने दो, मर रहे हैं लोग मरने दो, बेरोजगारी बढ़ रही बढ़ने दो, ना मैं खुद बोलूंगा ना बोलने दूंगा। आप कह रहे हैं उनके लोगों के हितों में, हित के बारे में सोचिए, और जब वो सोचते हैं तो आप सोचने नहीं देते, UCC का खिलाफ कर रहे हैं आप, 3 तलाक हुआ, उन्होंने महिलाओं के हित में काम किया, और भी कितने काम किए हैं, काम कोई धरातल पे दिखाई पड़े काम करें हजार करें, 24-24 घंटे काम करने वाले हैं आपके द्वारा जो है ना, लेकिन विकास कहाँ जा रहा है, उन्नति कहाँ जा रही है, देश गरीबी कहाँ जा रही है, भुखमरी कहाँ जा रही है, सारी समस्याओं से देश तो ग्रसित हो रहा है। आप बताइए आपके काम करने का परिणाम क्या, अगर आप उसका कोई परिणाम नहीं तो आप इस्तीफा दे दो, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के लायक हैं। BJP सरकार चाहिए या मोदी सरकार, सरकार कोई भी हो, हम किसी पार्टी के दुशाला ओढ़ के बात नहीं करते हैं, ना चरण चुंबल की भाषा आती है, हम आवाज अपनी उठा देते हैं, लोग जनता आपके चैनल के द्वारा सब सुने जी। तो ये है इनके पूरे जो है मोदी सरकार की जो भी कुरीतियां हैं उसको लेकर ये खुलेआम बोलते हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी गिरी